तो ये सीधा आपको निकालेगा एकदम सीधा, आपको कहीं घूमना नहीं, आप सीधे चलते चले जाइए, सीधा आप पहुंच जाएंगे रामपथ मार्ग पे, फतेहगंज फ्लाईओवर होते हुए। तो इधर के लोगों को यहाँ पे एक दोस्त बिल्कुल एकदम ज़मीन के लेवल पे, मतलब नीचे के साइड घर था, ठीक इसी जगह पे गई था, अब तो पता भी नहीं चल रहा है। ये देखिए मौके पे क्या स्थिति हुई है बिल्कुल। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको मैप दिखाते हैं कि हम आज की वीडियो कहाँ से कहाँ तक दिखाएंगे। ये उनके लिए है जो ये फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, जैसे कहीं बाहर से उनको नहीं पता होगा कि चीज़ें क्या चीज़ कैसे है, जो यहाँ के उनको सब कुछ पता है। तो ये हमारे सामने है दोस्तों अयोध्या शहर का ये पूरा का पूरा मैप है, ये पूरा जो है। और जो हम वीडियो दिखाएंगे दोस्तों, ये वाला जो मार्ग आपको दिख रहा है ये अम्बेडकर नगर मार्ग है, और ये है दोस्तों NH 27 जो कि मेन अयोध्या के बाहर बाहर है, ये गोरखपुर के इधर के लिए चला जाता है, और यहाँ से अयोध्या के अंदर इधर से आता है हाईवे की ओर से। यहाँ लता मंगेशकर चौराहा है, ये शहादतगंज है यहाँ पर, और ये है रामपथ मार्ग जिसका अपडेट हमने कई बार आपको दिया है। ये 13 किलोमीटर लंबा बनाया जा रहा है, बहुत ही अच्छा। और देखिए ये है दोस्तों एयरपोर्ट यहाँ का, अयोध्या श्री राम एयरपोर्ट, और इस पॉइंट पे दोस्तों बन रहा है श्री राम मंदिर का निर्माण कार्य हो रहा है। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं पहले वीडियो कहाँ से कहाँ तक मतलब रहेगी हमारी, बस आप अपनी नज़रें जमाए रहिए। ये देखिए हमने दोस्तों मैप को थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं, आप सही है, पेन ऑन करते हैं। देखिए ये है सूर्य कुंड, इसका हमने अभी वीडियो में जिक्र किया हुआ है। तो हम यहाँ से चलेंगे, ये पूरी ये दर्शन नगर मार्केट पड़ती है, बहुत ही घनी मार्केट है, जो कि इधर के लोगों के लिए बहुत ही बेस्ट मार्केट है, बहुत ही जल्दी ये टूटने वाली है पूरी की पूरी मार्केट। और ये है दोस्तों 14 कोसी परिक्रमा मार्ग, ये पूरा ऐसे जो है ये भी बहुत ही जल्दी, मतलब परिक्रमा 21 तारीख को होने वाला है, और ये भी मार्ग चौड़ा हो रहा है। तो हम थोड़ा सा और इसको मैप को छोटा करते हैं, आप सही है। तो देखिए दोस्तों ये हम यहाँ से चलेंगे पूरा होते हुए, ये क्रॉस करते हुए ये यहाँ तक, इसी पॉइंट पर ये फ्लाईओवर का निर्माण कार्य चल रहा है, ये है रेलवे लाइन। अब जब यहाँ रेलवे लाइन बंद हो जाती थी तो बहुत ही देर देर तक मतलब यहाँ पे जाम लगा होता था और काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती थी, तो इस वजह से ये फ्लाईओवर का निर्माण कार्य बहुत ही ज़रूरी है, और बन भी रहा है और बहुत जल्दी बन के कम्प्लीट भी हो जाएगा। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और आपको बताते हैं, मैं आपको थोड़ा छोटा करते हैं, बस आप अपनी नज़रें जमाए रहिए। जैसे इस वाले रूट पर कई सारे जो हैं रेलवे लाइन, 2 रेलवे लाइन पड़ती है, एक फतेहगंज भी पड़ता है। अगर आप इधर ही से आएंगे तो एक पहली यहीं पड़ जाएगी जैसा कि हमने अभी आपको दिखाया, फिर एक आगे चलते ही शहर के अंदर ये फतेहगंज के पास पड़ता है, इस पॉइंट पे कहीं पड़ता है, तो वो भी रेलवे लाइन जो है बहुत ही ज़्यादा मतलब छिलाती थी, जिसका कि निर्माण कार्य हम आपको बहुत जल्दी उसका भी अपडेट देंगे। तो बन जाने के बाद दोनों चीज़ एकदम आसानी से आदमी यहाँ से बिल्कुल यहाँ शहर के अंदर आ सकता है, ये है रामपथ मार्ग, बिल्कुल यहाँ के ये रामपथ मार्ग पर मतलब यहाँ अयोध्या के अंदर आ सकता है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं, दिखाते हैं आपको। जय श्री राम दोस्तों, कैसे आप सब, स्वागत करता हूँ फिर से अपने इस नए वीडियो में। तो आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं दर्शन नगर में जो फ्लाईओवर का निर्माण कार्य चल रहा है, उसके बारे में हम आपको अपडेट देंगे कि उसका काम कितना हो चुका है अभी मौके पे। तो काफ़ी टाइम हो गया है इसका हमने आपको अपडेट नहीं दिया है, तो दिखाते हैं आपको हम किस जगह पे अभी मौके पे हैं। तो अभी दोस्तों हम हैं सूर्यकुंड के पास, ये है सूर्यकुंड। सूर्यकुंड वो स्थान है जब प्रभु श्री राम जी का राज्याभिषेक हो रहा था, तो सारे देवता जो है अयोध्या पधारे हुए थे, तो उसमें से सूर्य देवता भी पधारे हुए थे, तो वो जो हैं इसी जगह पे आके रुके हुए थे, तो इस जगह का नाम पड़ गया है सूर्यकुंड। तो देख सकते हैं इसका हमने काफ़ी डिटेल में वीडियो डाला हुआ है, इसका जो है मैं वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप देखिएगा। देखिए बहुत ही खूबसूरत पहले से बना दिया गया, और आप इधर के होंगे दर्शन नगर के साइड के होंगे तो आपको पता होगा, या इससे पहले कभी आए होंगे तो पता होगा कि पहले कैसा था अब कैसा हो गया है। ये देखिए ये मार्ग इधर के साइड दोस्तों जाता है पूरा अकबरपुर के साइड और अंबेडकर नगर की ओर, और यहाँ से वो मार्ग जहाँ से वो गाड़ियाँ निकलनी, ये मार्ग है 14 कोसी पे का, इसके ठीक बगल से गया हुआ है। तो हम अभी इधर से चलेंगे दर्शन नगर मार्केट होते हुए, आपको फ्लाईओवर दिखाएंगे, जो चीज़ उचित होगी वो चीज़ आपको हम दिखाएंगे, तो वीडियो में बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों चला जाए, आपको दिखाते हैं आज उनकी यादें ताज़ा हो जाएंगी जो यहाँ से दूर रहते हैं, अपने इलाके को अपने शहर को दर्शन नगर के साइड को देख पाएंगे काफ़ी टाइम के बाद। आज ये है मेन एंट्री, 10 रुपये टिकट लगता है अब जाने में, बट ये है बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छा बनाया गया है। अब यहाँ अभी तो चौड़ा लग रहा है, ठीक इतना ही चौड़ा आगे रहेगा, बट अभी मौके पर हुआ नहीं है, और आगे जो है ये मार्केट जो है टूटने वाली है। देखिए यहाँ से ये दर्शन नगर की पूरी मार्केट स्टार्ट है।
और यहाँ से ये मार्ग गया है दर्शन नगर रेलवे स्टेशन के लिए, ये वाला, ये वाला मार्ग दोस्तों सीधा जाता है देवकाली बाईपास तक। मतलब ये वाले मार्ग से मैंने अगर आपको फतेहगंज की वीडियो दिखाई होगी तो ये सीधा आपको निकालेगा, एकदम सीधा, आपको कहीं घूमना नहीं, आप सीधे चलते चले जाइए, सीधा आप पहुंच जाएंगे रामपथ मार्ग पे फतेहगंज फ्लाईओवर होते हुए। तो इधर के लोगों को काफ़ी ज़्यादा मतलब सूटेबल हो जाएगा जब उधर जाना होगा। तो देखिए कितना कंजेस्टेड है, सोचिए जब टूटेगा तो इधर भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होगी, जैसे मेन अयोध्या में हुआ था रामपथ मार्ग बनाते समय। काफ़ी ज़्यादा अच्छी मार्केट है इधर के सबसे नज़दीकी जो है, ज़रूरत की सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाती हैं लोगों को। आप देखिए सामने फ्लाईओवर जो है इसका निर्माण कार्य हो रहा है। अब एक ये मार्ग है दोस्तों, राइट साइड की ओर चला जाता है आचारी का सिगरख, तब इधर के साइड आप सीधा जो एक मार्ग होता आप अयोध्या तक जा सकते हैं। आप देखिए यहाँ से जो है कुछ तोड़े गए हैं, जो फ्लाईओवर का एंडिंग पॉइंट होगा ढलान दोस्तों इसी जगह पे आएगा, क्योंकि यहाँ पे इंडिकेट किया गया है। इधर देखिए कुछ जो है साइड साइड में टूटे हुए हैं, अब पीछे जो मार्केट थी वो भी तोड़ी जाएगी। निकलते हैं हम बगल से धीरे धीरे, देखिए फ्लाईओवर कैसे अभी मौके पे है। साइड में देखिए डक्ट बना हुआ है, बहुत चौड़ा नहीं है, मतलब नॉर्मल सा ही डक्ट है। ये अच्छा है कि थोड़ा बहुत गाड़ियों का आवागमन है। तो ऐसे ही अगर आप दोस्तों अयोध्या के वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए ये सब तो यार पहले से बन चुका है यार, लास्ट टाइम हमने अपडेट दिया था तो ये सब नहीं बना हुआ था, काफ़ी मतलब चीज़ें अपडेट हो चुकी हैं। तो एक भाई, कई भाई कह रहे थे भैया दिखाइए दिखाइए, तो चलिए उनकी बात आज पूरी हो गई। देखिए ये एकदम ट्रैक के पास वाला ये बनाया गया है पिलर, चौड़ा एकदम, काफ़ी मतलब ट्रैक के पास इतना ही ऐसे ही रहता है। अगर आपने मोहब्रा बाज़ार वाली वीडियो देखी होगी तो बिल्कुल ऐसे ही बनाया जाता है। थोड़ा सा यहाँ पे रुकते हैं, अभी भी देखिए जो है काम हो ही रहा है। यहाँ पे एक दोस्तों बिल्कुल एकदम ज़मीन के लेवल पे, मतलब नीचे के साइड घर था ठीक इसी जगह पे गई था, अब तो पता भी नहीं चल रहा है। ये देखिए मौके पे क्या स्थिति हुई है, बिल्कुल हाई टेंशन के पास जाने पे आपको एक अलग सी आवाज़ सुनाई देगी, क्योंकि हमने माइक अटैच किया है किरकिर किरकिर की। देखिए इधर के साइड अयोध्या जंक्शन, इधर ये दर्शन नगर रेलवे स्टेशन है। तो चलिए चले आगे, हमारी बाइक खड़ी है बेचारी, हमारे बहुत साथ देती है, आप लोग भी बहुत साथ देते हैं। जब भी मैं बोलता हूँ पेट्रोल के लिए पैसे के लिए तो आप लोग एकदम खुले मन से एकदम भेज देते हैं, बट अभी ज़रूरत नहीं है, अभी है पैसा आप लोगों ने भेजा था, जिन्होंने भेजा उनका बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने नहीं भेजा उनका भी धन्यवाद। ये देखिए दशरथ मेडिकल कॉलेज इधर के साइड, जो कि फ्लाईओवर की वजह से थोड़ा सा छिपा हुआ है, हम चलते हैं उधर थोड़ा सा बाइक लेके तो दिखाते हैं आपको। ये देखिए ये सामने, काफ़ी बड़ा नाम है, नाम लेने में भी थोड़ा सा जवान लड़खड़ाने लगती है। रुकिए हम आपको पढ़ के दिखाते, नहीं तो आप कहेंगे कि ऐसे ही है क्या। देखिए राजश्री दशरथ स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, तो जी इतना बड़ा। अभी देखिए इसके अंदर भी कुछ निर्माण कार्य हो रहा है मेडिकल कॉलेज के अंदर भी। अब साइड में देखिए दोस्तों इतना हिस्सा ये छोड़ा गया, इधर तो चौड़ा है आगे तो और पतला लग रहा है इस पॉइंट पे। देखिए
अबे कौन इंजीनियर था यार, देखिए ऐसे यहाँ से टर्न ना की था तो और पतला हो गया है। ये मार देखिए, ये भी मार जाता है दोस्तों, अचारी के सगरा कर मतलब 14 कोसी परिक्रमा मार्ग पे जा सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे एक मज़ार मस्जिद, इधर का सीन आपको दिखाते हैं थोड़ा सा। ये देखिए फ्लाईओवर का सीन इधर क्या हुआ है बिल्कुल। तो देखा दोस्तों आपने बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट अभी मौके पे किस स्थिति में पहुंचा हुआ है ये दर्शन नगर का फ्लाईओवर। अब यहाँ से दोस्तों थोड़ी ही दूरी पे है देवकाली बाईपास, तो हम अपने वीडियो को यहीं पे एंड करना चाहेंगे। फिर मिलते हैं आपको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, ध्यान रखिएगा अपना।